ये एक रिंग है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इससे आर दूरी पे, एक्स दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट पी। कैसे निकालें? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पर अगर देखें ये डॉट से क्या शो किया मैंने, पीछे वाला हिस्सा, तो यहां पे ऐसे करंट है, तो डीएल मैंने कैसे हो जाएगा, डीएल ऐसे हो गया, और ये इसका रेडियस है आर, और ये इससे, इस डीएल से यहां पर निकालनी है, तो ये हो गया स्मॉल आर, ले लो इसको आर वेक्टर हो गया। तो इसकी वजह से कहां आएगी, डीएल क्रॉस आर, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, डी बी बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, डी बी क्या हो जाती है, डायवर्ट सेवर्ट लॉ, म्यू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन मोड ऑफ आर क्यूब, ये होती है। तो यहां पर अब इसमें लिखे डीएल, ये डीएल है और आर ऐसे, ये डीएल आर ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई और डीएल आर साइन 90 अपॉन में कितना आ गया आर का क्यूब, तो आर कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा अब ये इसके जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट है डीएल, ये भी तो है, ये डीएल है, इसकी वजह से क्या होगी, अच्छा इसकी वजह से कैसे होगी, डीएल क्रॉस आर, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे ये होगी डीबी ड्यू टू दिस एलिमेंट, और इसके डायमेट्रिकली जो ऑपोजिट है उससे कैसे होगी, डीएल क्रॉस आर, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अच्छा अगर इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो कितना हो गया, अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो गया। इसी तरह से ये थीटा आ जाएगा, ये डीबी आ गया, डीबी हमने निकाल रखा है। अच्छा इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अब डीबी ये वाला कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा और एड होके यहां आएगा इन दो की वजह से। इसी तरह कोई भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो एलिमेंट लोगे उनका क्या है, साइन थीटा कंपोनेंट ऐड होगा और कॉस थीटा क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो डीबी क्या आ जाएगा का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पता चली गया हमें, इस तरफ आनी है डीबी नेट, डीबी नेट क्या है अलोंग एक्सिस आनी है, तो डीबी कितना हो गया, डीबी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, और ये हो गया साइन 91 हो गया डीएल अपॉन आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं ना, अब ये आर तो जो है कांस्टेंट है, तो ये आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, अच्छा ये अंदर कितना आ गया डीएल, और ये तो हो गया डीबी, ठीक है। अब डीबी को साइन थीटा चाहिए ना, फिर डीबी साइन थीटा वो कितना हो जाएगा इनटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन साइन थीटा इज आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा अब एक्स भी कांस्टेंट है, ये सारी चीज कांस्टेंट टर्म है, तो बी नेट कितना हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इनकी ये कांस्टेंट टर्म है, तो सिर्फ डीएल की इंटीग्रेशन होनी है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल की इंटीग्रेशन होनी है, तो डीएल की इंटीग्रेशन होकर क्या बन जाएगा टू पाई आर, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई। अच्छा ये आर स्क्वायर कितना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर किसके इक्वल है इसके, और इन टू में वन बाय टू और है, तो वन प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू हो गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म थी पूरी, ये बाहर आ गया, सॉरी ये गलत कर दिया ना हमने, कॉस्ट साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है ना, तो ऊपर पर हां आर ही आएगा, ठीक है आर हो गया, और ये आ गया, और डीएल का कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज टू पाई आर, ये टू पाई आर आ गया, तो कितना बन गया, अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये टू आ गया,
तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में आ गया 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, यहां बी नेट आएगी ना इस डायरेक्शन में, कितनी आ गई, ये आ गई बी नेट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया दिस, तो बी नेट निकल गया। अच्छा अब इसमें अगर हम देखें कि भाई सेंटर में अगर हम निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितनी हो जाएगी, तो x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, एट सेंटर सी एच सी तो कितना हो गया, x को 0 पुट कर दिया तो r स्क्वायर कैंसिल r क्यूब आ गया, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर है अपॉन आर क्यूब है, तो एक आर नीचे रह जाएगा 2r, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस सेंटर पे, यही हमने उसमें भी निकाली थी। अच्छा जो आर्क से आर्क वाले फॉर्मूले से जो निकाल रहे थे उससे भी क्या आई थी, सेम आई थी। अच्छा एक्स अगर बहुत बड़ा है, बी नेट फॉर एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तब क्या हो जाएगा, एक्स अगर बहुत बड़ा आर से तो इसको एड ही नहीं करते, तो ये एक्स स्क्वायर ही रह गया, इसको जीरो मान लेते हैं इसकी कंपेरिजन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये उसकी कंपेरिजन में क्या है कम हो गया, जीरो की तरफ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब आ जाएगा। अच्छा बी नेट अगर मैं निकालू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे तो कितना हो जाएगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर तो टेंस टू जीरो हो जाएगा ना, फॉर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी बी नेट टेंस टू जीरो, बी नेट टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसका तो कैसे आएगा, किसके बीच में, एक्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये बी मान लो और ये हो गया हमारा एक्स, तो कैसे ग्राफ आएगा, यहां पर एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2r, और फिर वो एक्सपोनेंशियली कम हो रही है क्योंकि अपॉन में है ना, हाइपरबोलिकली कम होगी, तो हाइपरबोलिक ग्राफ कैसे हो जाता है, टेंस टू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे तो जीरो हो रही है, तो ये ऐसे चला जाएगा, और इसी तरह से यहां पर भी जाएगा, और ये कितना है म्यू नॉट आई बाय 2r एट एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा x को नेगेटिव करेंगे तो इस साइड में चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेंस टू मैग्नेटिक फील्ड टेंस टू जीरो, इधर वाली बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड टेंस टू जीरो, तो ये ग्राफ आ गया। अच्छा अब इसमें क्या है कि एक चीज हमें नोट करनी पड़ेगी इसमें, कि ये जो थी ना रिंग, ऐसे रिंग लिख दी हमने, करंट ऐसे जा रहा था, तो हमने यहां पर देखी थी राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कैसे थी, राइट साइड में अगर हम देख रहे थे तो कैसे आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर इस डायरेक्शन में आई थी बी नेट, अगर लेफ्ट इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी इधर है, इधर देखेंगे तो भी इधर है। अच्छा लेफ्ट में देखें तो अगर यहां देखें तो कितनी होगी, आई क्रॉस आर करेंगे ना, तो ये यहां पर अगर देखेंगे तो ये बी इस तरह जाएगा और इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से बी डी बी इधर हो जाएगा, ये डी बी और ये डी बी, तो ये थीटा, अब ये कैंसिल, अब यहां पर ये इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे इनके, तो हॉरिजॉन्टल में ही आएगी डीबी साइन थीटा करके, ये थीटा बन जाएगा, थीटा कौन से वाला है, ये वाला, यही थीटा यहां बन गया जैसे वहां हो रहा था, तो इस लेफ्ट में देखो या राइट में कोई पॉइंट ले लो उस पर क्या होगी, बी नेट जो है अलोंग द एक्सिस ही आ रही है, अलोंग द एक्सिस ही आ रही है ना, कोई भी पॉइंट लोगे तो एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो अलोंग द एक्सिस ही आ रही है, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, एक ही डायरेक्शन आ रहा है, लेफ्ट में भी यही डायरेक्शन है बी नेट का अलोंग द एक्सिस, राइट साइड में, और इस पॉइंट पे भी यही डायरेक्शन है। अच्छा अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे कर दी, ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, अब आई डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इसमें कैसे हो जाएगा, इसकी वजह से अब यहां आएगी और इसकी वजह से ये जो पॉइंट है इसकी वजह से इधर आएगी, ये वही अपना थीटा,
फिर डीबी साइन थीटा भी किधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो बी नेट अब क्या है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स की तो बी नेट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, तो अब ये इधर आ गई। राइट में कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी क्या है, इस डायरेक्शन में है। अच्छा लेफ्ट में कोई पॉइंट लेंगे तो डीएल क्रॉस आर इसमें इधर बनेगा डीबी, इस वाले डीबी से और इस वाले डीबी से कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, ये वाले कॉम्पोनेंट फिर से कैंसिल, बी नेट इधर ही आएगा, तो इसमें भी इसी डायरेक्शन में होगी करंट। जब हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो बी नेट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, लेकिन लेफ्ट और राइट पॉइंट के लिए सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बी नेट है, चाहे पॉइंट लेफ्ट में लो या राइट में लो, राइट में लो या लेफ्ट में लो, डायरेक्शन क्या है, एक ही है। डायरेक्शन ऑफ करंट जब इधर थी तो भी इधर एक ही डायरेक्शन में बी नेट था, जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी तो भी एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन वो डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर हम यहां देखते थे राइट साइड में कोई पॉइंट तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स ऐसे लगेगी, इसकी वजह से ऐसे तो इधर ही आएगी। लेफ्ट में कोई पॉइंट देखेंगे तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो लेफ्ट में कोई पॉइंट देखा तो डायरेक्शन इधर है और राइट में देखा तो डायरेक्शन अपोजिट टू दिस डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, लेफ्ट और राइट के अपोजिट डायरेक्शन में होती थी। नेगेटिव चार्ज लेते थे तो ये इधर हो जाती थी और ये भी इधर हो जाती थी, तो डायरेक्शन फिर भी क्या है दोनों के, लेफ्ट और राइट पॉइंट्स के, इसके लिए इधर है बी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इस पॉइंट के लिए इधर है अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में क्या है कि डायरेक्शन लेफ्ट और राइट की क्या अपोजिट रहती है हमेशा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो, और इसमें क्या है डायरेक्शन जो है एक ही रहती है, चाहे करंट का डायरेक्शन इधर हो या इधर हो, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अच्छा एक चीज और, अगर ये है मान लो करंट स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, थंब जो है उसको डायरेक्शन ऑफ करंट में ले लो और जो फिंगर्स है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये डॉट से क्या मतलब है, इससे पीछे साइन पर, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे बनेगी। अच्छा और रिंग होगी तो कैसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस कैसे आएंगी रिंग होगी तो, रिंग पे कैसे बनाएंगे, मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो इस पे क्या करो कि थंब ऐसे ले लो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, ऐसे यहां पर ऐसे है तो फिर से कैसे किया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी, ऐसे आएगी, मैग्नेटिक लूप्स आएंगे, ठीक है लूप्स आएंगे, ये कैसे है अब ऐसे है तो लूप्स कैसे आएंगे ऐसे, कैसे जाएगी ऐसे है ना, तो ऐसे ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, ये ऐसे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का लूप कैसे हो जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये है मतलब लूप, ऐसे लूप जो है ऐसे बनेगा और करंट किस तरफ हो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऐसे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें देखे लो पीछे की साइड तो इसमें ऐसे जाएगी, इसमें ऐसे जाएगी, इसी तरह यहां पर देखे तो ऐसी जाएगी, करंट कैसे ऐसे, तो ऐसे थंब की डायरेक्शन में ले लो, थंब ले लो करंट की डायरेक्शन में और ऐसे कर दो, तो ये फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।